जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडो लाडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। और ये भाई कुछ बच्चे हैं जो अकेडमी से जो भी ट्रेड टेस्ट दे के आए हैं, तो सोच रहा हूँ आपका फायदा हो जाएगा इसमें कि इनका जो एक्सपीरियंस है ट्रेड टेस्ट का, सही सब ट्रेड टेस्ट का, इसमें से एक दो ITPP का भी और इसके अलावा SSB के भी दे रखे हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ CISF ट्रेडमैन में इनका ट्रेड टेस्ट कैसे हुआ था, पूरी की पूरी जो इंक्वायरी इनकी एक साथ इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, आपके बहुत काम का है। अगर आप CRPF ट्रेडमैन की या किसी भी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नॉलेज काम में आएगा, क्योंकि जितने भी ट्रेडमैन की जो वैकेंसी चाहे CRPF की अभी आई है इतनी 9212 पोस्ट की, इसमें भी आगे जाके आपका ट्रेड टेस्ट तो होना ही होना है और उसको पास करना अनिवार्य है। नंबर उसमें कम ज़्यादा नहीं है, उसको पास करना हो तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो, नहीं तो नहीं। इसलिए आपको ये काफ़ी नॉलेजेबल है, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, जैसे CISF का जिनका नहीं हुआ, ठीक है। तो इनमें से लगभग लगभग ज़्यादातर है कुक वाले, एक अलग ITPP में तेरा कौन सा था? अच्छा तेरा कुक है ना। अब देखना भाई इससे क्या क्या बनवा था कुक। सिर्फ ट्रेड टेस्ट की बात करेंगे, फिजिकल इनका मैं बताता हूँ। 1600 मीटर की रनिंग, 6.5 मिनट का टाइम, 170 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 80 से 85, फिजिकल यही था। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, 10th क्लास मार्कशीट, 4 फोटो, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, यही था मेन डॉक्यूमेंट। बाकी 12th की आपके पास, मैं तो लेके जाऊँ। अब ट्रेड टेस्ट पर बात करते हैं, पास हो गया था? यस सर। क्या क्या हुआ था? एक रोटी बनवाई थी और आलू सब्जी और चावल और अंडा। अंडा भुजी या ओनली गरम? ना बॉयल अंडा, ये इसने बना दिया था भाई। आलू की सब्जी या गोभी की सब्जी या क्या बोलते इसको, रोटी और चावल, ये तो अनिवार्य है सभी के लिए, तो सबसे बनवाए होंगे। अब अंडा इसके किस्मत में आ गया, कितना था भाई आगे तेरे तरह से क्या मंगवाया था? एक रोटी बनवाई थी, आलू की सब्जी बनवाई थी और चिकन बनवाया था। बना दिया था तीनों चीज? हाँ बना दी थी, वो रोटी नहीं बनाई, रोटी भी बना दी थी लेकिन वो क्या हवा के अंदर हो गई। इसने क्या कर दिया, रोटी बना के खुले में रख दी, पहले रोटी बना दी, अब वो सो गए जब चेक करने आए तब, अब वो बोले इस रोटी को खाया किसे लड़े, उस चक्कर में इसको बोला भाई नहीं भाई रोटी ये नहीं चलेगी और फेल कर दिया, ठीक है। तेरा काम हुआ था ट्रेड टेस्ट? अच्छा एक रोटी और अंडा की आमलेट। अच्छा आमलेट और रोटी और चावल भी बनाए थे? चावल नहीं, सब्जी। अच्छा इसे सिर्फ रोटी और आमलेट बना दिया था, पास हो गया। अच्छा हो गया भाई, पास। बिरयानी बनवाई। कौन सी? चिकन बिरयानी। क्यों नहीं बनाई तूने? मैं खाता ही नहीं सर, कभी देखी भी नहीं है। क्या ओरिजिनल बिरयानी? अरे बोल इसमें क्या, वो जो बिरयानी होती है ना उसमें चिकन डाल देता तो चिकन बिरयानी हो जाती, और चिकन इसने बनाया तो सुनील ने इसे ले लेता। मैं तो अलग था इसे। अच्छा तेरा अलग डेट को था क्या? हाँ तो ठीक है, महाराज के पास भेजेंगे तुमको ऊपर, और अपना खाना बनाने वाले ना उनके साथ जाके थोड़ा सीखो। लेकिन अकेडमी में भी नहीं बनता ना चिकन, वो भी एक समस्या। पर वो तेरा वो आके एकदम आ कर ना, ये भी एक पास करके आए हैं, वो पास किस करके ITPP में, तो काफ़ी लंबी भाग दौड़ काफ़ी थी ITPP वाले में। 1600 मीटर रनिंग, 3.5 फीट हाई जंप, 12 फीट लॉन्ग जंप, चेस्ट और वेट, वो तो पास हो गया था। और इसमें कहाँ फेल हो गया? इस्टमेट या इस जो CISF में इसको चेस्ट फेल किया कि अभी दूध प्योर पास है? ITPP पास कर दिया होगा, CISF में कमांडो चाहिए थोड़ा दूध प्योर। हाँ वो फित्ते का ही प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं। गणेश नाम है। कौन सा ट्रेड टेस्ट था? कुक का। क्या बनाया था? रोटी, चिकन, चावल, आलू गोभी, सब्जी। तो सबसे चिकन चिकन बहुत बनवाया भाई, चिकन नहीं खाने वालों से ज़्यादा चिकन कैसे बनवा रहे हैं, ये तो खाता है। हाँ उनको पता है कि चिकन बनाने में प्रॉब्लम होगी तो जल्दी फेल हो जाएंगे, तो जो चिकन नहीं भी खाते ना, चिकन बना के देख लेना भाई एक बार, ठीक है घर पे, तो कहीं तो गालियाँ शुरू हो जाएगी चिकन का नाम ले लेंगे तो। मेरे घर पर तो अगर नाम ले लूँ मैं चिकन का, नाम भी ले लूँ तो भी गालियाँ शुरू हो जाती, ये तो खाता तो मत लगाना, हाथ कौन मना किया है, जब दुनिया खा रही है तो तू क्यों नहीं खाता? नहीं खाता तो फिर कुक का फार्म मत भर। बोलते हैं पोजी सर काम सब करो। हाँ सब काम करो है ना। और मैंने भी बोला हाँ सब करना पड़ेगा, वहाँ पे बम वम बन रही है वहाँ नहीं चलेंगे। तो तूने तो बना दिया था, बना दिया। पास हो गया सर। ये था भाई स्वीपर से, तो इसके अलग तरीके से टेस्ट हुआ था। तेरा वाला क्या हुआ था? एक तो झाड़ू, झाड़ू वाला, और बात झाड़ू कैसे पकड़ना ये। हाँ और
और वो जो बाथरूम में जो शीशा रहता है उसको पेशाब किया जाता है, और जो एसिड उनके बारे में बताते मतलब बात हूँ, जो समझ, जैसे टाइल्स को कैसे साफ करते हैं, झाड़ू कैसे मारते हैं, ये भी पकड़ा के देखा है। टाइल्स को साफ करने के लिए कौन से एसिड आते हैं, डस्टबिन किस किस प्रकार के होते हैं, और एसिड को पहचानना था कि ये एसिड कौन सा है, ये एसिड कौन सा है, ये एसिड कौन सा है, या इनका कहाँ प्रयोग किया जाता है। स्वीपर में ये सब हो रहा है, अब ये ध्यान कर लेना। आपने जिस भी ट्रेड से भरा फॉर्म, इसके अलावा भी कोई रह गया तो आप कमेंट करके बताना। अभी और भी कुछ गए हुए हैं पहलवान पेपर वो देने वाले, टेस्ट देने वाले, तो वो आएंगे तो उनका भी वीडियो बना देंगे। कुल भारत माता की।